फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्कीम के बारे में, आपको बताऊंगा जिनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। और दोस्तों अगर उसके लास्ट ईयर का कुछ हिस्ट्री डेटा उठा के देखा जाए, उसको एनालिसिस करने के बाद से यही पता चला है कि उस स्कीम में इतना पहले कभी यहाँ पे मेरिट लिस्ट अपडेट नहीं होती थी। मेरिट लिस्ट तो छोड़िए, यहाँ पे उनका पेमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में उनकी पेमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मेरिट लिस्ट भी अपडेट हुई है। कहाँ सारी चीजें मिलेंगी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कौन सी स्कीम है। और बहुत सारे जो स्कीम थे जिसकी मेरिट लिस्ट पहले बहुत अपडेट होती थी, पेमेंट भी बहुत पहले अपडेट होती थी, बट यहाँ पे इसका कोई चांस अभी नहीं फिलहाल दिख रहा है। जी हाँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करने वाला हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यही चीज बोलूंगा, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कुछ स्क्रीनशॉट के तहत मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीनशॉट हमारे पास आया हुआ है, 7:32 पे इस बंदे का पेमेंट आया और देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 अमाउंट प्रगति स्कॉलरशिप टेक्निकल डिग्री। जितने भी यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट है जो प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम भरी है, चाहे वो डिप्लोमा कर रही हो या फिर टेक्निकल डिग्री जैसे बीटेक कर रही है या बीएमएस या फिर कोई मेडिकल कोर्स कर रही है, उनके 50,000 अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे उनका बैंक का स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दी हूँ, साथ में उनका एमएसपी का जो करंट स्टेटस है वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ, और पेमेंट किस मेथड से आ रहा है वो भी एक बार आप चेकआउट कर लेते तो बेहतर होता, आप जान जाते। क्योंकि यार मैं बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करना चाहता। यहाँ पे देख पा रहे होंगे वही चीज है, आसाम के स्टूडेंट है और ये प्रगति स्कॉलरशिप है टेक्निकल डिग्री वाले। एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट, एप्लीकेशन स्टेटस इनका शो कर रहा है। और नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, नीचे अगर स्क्रॉल करते मैं जाऊं यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस में लिख रहा है योर स्कॉलरशिप पेमेंट हैज बीन डन थ्रू आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एईपीएस, मतलब यहाँ पे देख सकते हो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम करके यहाँ पे हैज बीन क्रेडिटेड बैंक अकाउंट, ये यूटीआर नंबर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये टेक्निकल डिग्री प्रगति स्कॉलरशिप, अब इनकी मेरिट लिस्ट कैसे अपडेट होगा। यार आपको याद होगा अगर आप रेगुलर हमारे स्टूडेंट है तो मैंने बताया था कि ये दोस्तों कि आपको मेरिट लिस्ट सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे देखना पड़ता है, ना कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपडेट करके। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में लास्ट में अपडेट होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जो प्रगति स्कॉलरशिप है इनकी पेमेंट आ गई तो डेफिनेटली इनकी मेरिट लिस्ट अपडेट हुई होगी, तभी तो पेमेंट आई होगी। तो चलिए हम देखते हैं प्रगति स्कॉलरशिप की जो मेरिट लिस्ट है अपडेट कहाँ होगी। उसके लिए आपको सिंपली AICTE आपको गूगल में टाइप करना, उनकी ऑफिशियल साइट पे चले जाना है। ऑफिशियल साइट पे जैसे ही आओगे दोस्तों यहाँ से आप क्लिक करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ मेरिट लिस्ट ओपन किया हूँ, देख पा रहे होंगे ये देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आप प्रगति स्कॉलरशिप लॉग इन करोगे, वहां पे स्कॉलरशिप सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको फर्जी दिखा रहा है। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ AICTE स्वनाथन स्कॉलरशिप स्कीम टेक्निकल डिग्री 2023, यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो हर एक स्टेट में अलग अलग यहाँ पे रूल है, किसी स्टेट में 200, किसी में 400, किसी में 100, किसी में 150, ऐसे करके स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। अब बात आती है, देखते हैं ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे देख पा रहे हो लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ AICTE प्रगति स्कॉलरशिप डिग्री। इसी तरह डिप्लोमा के भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है 2022-23 की, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, अपने नेम चेक कर सकते हो, अपने कॉलेज के नेम चेक कर सकते हो कि आपके कॉलेज में कितने परसेंट स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। रही बात मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को लेके। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ये डिले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ पे लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ पे अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यहाँ पे ऑफिस को भी विजिट किया, बट वहां से कोई खास फायदा नहीं मिला, कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस उनका नहीं मिला। फिर भी कोशिश जारी है, देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस आने की उम्मीद है। अब देखिए वैसे कुछ कह नहीं सकते कि पेमेंट आपको आफ्टर जुलाई मिलेगा या बिफोर जुलाई मिलेगा, वी डोंट नो, बट इतना ये श्योर सट है, गारंटी है कि पेमेंट उनको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं देंगे, पेमेंट जरूर देंगे। और दोस्तों एक और चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि दोस्तों वीडियो को यार जरूर लाइक करिए, आप लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते, तो प्लीज यार इतना जरूर करिए मेरे लिए। चलते हैं नए वीडियो के साथ, जय हिंद।